संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है और सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो महिलाओं के प्रति बहुत गंभीर है कि महिलाएं संसद और विधानसभा में पहुंचें। लेकिन बिल में जो प्रावधान किया गया है कि यह बिल जनगणना पूरी होने के बाद और डिलिमिटेशन होने के बाद ही प्रभावी होगा, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि बिल को पेश करने में इतनी जल्दबाजी की गई है लेकिन बिल को लागू करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। सरकार का ये रवैया दिखा रहा है कि सरकार महिलाओं के इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। पूरे देश में महिलाएं महिला आरक्षण बिल को पास करवाने के लिए लंबे समय से लड़ती रही हैं। एपवा गाँव से लेकर के और राजधानी दिल्ली तक में लगातार प्रदर्शन करता रहा है, आवाज़ उठाता रहा है। महिलाओं की ये चिर प्रतीक्षित मांग रही है, लंबे समय से ये मांग रही है, लेकिन सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उससे लगता नहीं है कि मोदी सरकार इस आरक्षण बिल को लेकर बहुत गंभीर है। जरूरत इस बात की है कि संसद में जब इसे पेश किया गया है तो इस पर पूरी गंभीरता से चर्चा हो, महिलाओं की राय भी सुनी जाए और 2024 में महिलाओं को महिला आरक्षण बिल का लाभ मिले, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।